दोस्तों, जब कभी इंडियन फूड की बात आती है तो आपके दिमाग में बटर चिकन से लेकर कढ़ाई पनीर जैसी अलग अलग डिशेस का नाम आता होगा, क्योंकि हमारे भारत में मसालेदार चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही खाया जाता है। पर दोस्तों, ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि बटर चिकन और पाव भाजी के अलावा भारत में ऐसी चीज़ें भी खाई जाती है जिनको खाना तो दूर आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं भारत के अंदर कुछ ऐसे प्लेसेस के नाम बताऊंगी जहां पर ऐसी अजीब और गरीब चीज़ें खाई जाती है जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, डॉग मीट। दोस्तों, नागालैंड भले ही भारत में आता हो, लेकिन यहाँ का खान पान बाकी भारत के खान पान से पूरी तरीके से अलग है। तभी तो यहाँ पर वो चीज़ें खाई जाती है जिन्हें खाने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। फिर चाहे वो डॉग मीट हो, यानी कि कुत्ते का मांस हो, या फिर बिल्ली, स्पाइडर या फिर क्रैब, अलग अलग जानवरों का मांस इन्हें खाना बहुत पसंद है। ये लोग किसी भी चीज़ को खाने के लिए पीछे नहीं हटते। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारे फूड आइटम्स वहाँ के लिए डिलीशियस माने जाते हैं। इसलिए अगर आप कट्टर वेजिटेरियन हैं तो हमारी सलाह मानिए, आप कभी भी नागालैंड ना जाइए, क्योंकि गलती से भी आपने इन्हें ये सब चीज़ें खाते हुए देख लिया तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। नंबर दो, रेड एंट चटनी। अब बात करते हैं हम लाल चींटियों की चटनी के बारे में। सुनने में तो ये किसी टंग ट्विस्टर से कम नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें, ये वाकई में इंडिया के छत्तीसगढ़ स्टेट में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जहाँ पर बड़ी वाली लाल चींटियों को इनके अंडों के साथ पकाया जाता है और फिर इस चटनी को बनाया जाता है, जिसे इनकी लोकल भाषा में चापरा कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में लोग लाल चींटी की चटनी के लिए पागल है, ठीक वैसे ही जैसे पंजाबी दारू और बटर चिकन के लिए पागल होते हैं। नंबर तीन, बी लार्वा। दोस्तों, मधुमक्खियों के द्वारा बनाई गई शहद को तो पूरी दुनिया खाती है, लेकिन भारत में बी लार्वा यानी कि मधुमक्खियों के अंडे को भी बड़े चाव से खाया जाता है। हमें नहीं पता ये लोग इसे मज़े से कैसे खाते हैं, लेकिन वाकई भारत के ईस्टर्न साइड में लोग इसे पकाकर बड़े चाव से खाते हैं। नंबर फोर, फर्मेंटेड बैम्बू सूप। दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बैम्बू खाना काफ़ी कठोर होगा, लेकिन भारत में इसे ऐसे बनाकर तैयार किया जाता है जिसे देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये बैम्बू खाते क्यों है और इसमें क्या टेस्ट आता होगा। जहां सबसे पहले ये बैम्बू के छोटे छोटे टुकड़े करके इसे उबाल देते हैं, उसके बाद 2 से 3 दिन तक इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं और फिर इसकी रेसिपी तैयार हो जाती है। आपको बता दें, सेंट्रल एशिया में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। नंबर फाइव, स्नेल। हमें पता है आप ये सोच रहे होंगे, भला स्नेल को कोई कैसे खा सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे भारत में हर चीज़ मुमकिन है, हम बेस्वाद चीज़ों को भी स्वादिष्ट बना देते हैं। तभी तो पहले इन्हें जिंदा पानी में उबाला जाता है और फिर इन्हें सुखाया जाता है, जिसके बाद स्नेल की बॉडी और उसके पैर निकाले जाते हैं। उसके बाद इन्हें हल्दी के पानी में अच्छी तरीके से क्लीन किया जाता है, और जब ये पूरी तरीके से साफ हो जाता है तो इन्हें सब्जी की तरह प्याज टमाटर में बना के लोग बड़े चाव से खाते हैं। नंबर छह, फ्रॉग लेग्स। दोस्तों, सिक्किम में एक कम्युनिटी है जिनके लिए फ्रॉग यानी कि मेंढक के पैर से ज़्यादा कोई एक्जॉटिक चीज़ नहीं है, क्योंकि इनके लिए मेंढक का पैर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। जहाँ इनका मानना है कि मेंढक का पैर खाने से इनके पेट से जुड़ी सब समस्या ठीक हो जाती है। अब दोस्तों, ये इनका कहना है, हमारा तो ऐसा कुछ मानना नहीं है। हमारा मानना तो ये है कि अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो वेजिटेरियन खाना सबसे बेस्ट है। नंबर सेवन, सिल्क वॉर्म। दोस्तों, हमारे भारत में सिल्क की साड़ी ही नहीं पहनी जाती, बल्कि लोग इसे खाने में भी दिलचस्पी रखते हैं। जी हाँ, सुनकर आपको अजीब ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ना सिर्फ भारत बल्कि एशिया के सारे हिस्सों में इसे उबालकर खाया जाता है, और लोगों के कहने के मुताबिक ये काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। नंबर एट, स्ट्रीट फूड मुंबई। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई में मिलने वाली स्ट्रीट फूड की, क्योंकि आपको मुंबई में सी फूड हर जगह मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर लोग जानवरों का दिल और दिमाग को भी खाते हैं। अब आप माने या ना माने, लेकिन भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कुछ भी खा सकते हैं। नंबर नाइन, जदो। दोस्तों, शायद ही आप लोगों ने जदो नामक डिश के बारे में सुना होगा। हम आपको बता दें, ये चावल की डिश होती है जिसको या तो फिर चिकन के खून यानी कि ब्लड में, या तो फिर सुअर के ब्लड के साथ पकाया जाता है।
जी हाँ दोस्तों, ये लोग चावल को पकाने के लिए जानवरों का खून इस्तेमाल करते हैं और इसे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी मज़े लेकर खाया जाता है, क्योंकि ये ना सिर्फ इस चावल के साथ चिकन या फिर सुअर का खून मिलाते हैं, साथ ही साथ ये उनके इंटेस्टाइन का भी इस्तेमाल करते हैं और ये चीज़ इस डिश को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाता है और वहाँ के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएं कि आपको कौन से प्लेसेस की डिशेस काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको फिर से मिलूंगी एक नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।